मैं रिचा कपूर एक बार फिर से करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको हिंदी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आज एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है जिसे मैं क्लियर करना चाह रही हूँ। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि दुख और दुख में क्या अंतर है, इनमें से कौन सा सही है, क्या ये दोनों ही सही हैं, अगर हाँ तो किस प्रकार। तो इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं देना चाह रही हूँ। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिन्हें वाकई इसकी ज़रूरत है। तो आज हम शुरू करते हैं दुख और दुख में डिफरेंस, इन दोनों का अंतर। सबसे पहले बहुत ही दो तीन पॉइंट में आपको क्लियर करूंगी और बहुत ही इजीली आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले ये क्या है, दो बिंदु जो है इसे कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। ये जो विसर्ग है ये अ और ह से मिलकर बनता है अह, ये वाला विसर्ग बन जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना अह खाली, ये इसका अह, इसकी आवाज क्या होती है, इसकी ध्वनि होती है अह। तो ये विसर्ग अधिकतर नहीं, अब तो हमेशा ही कहिए, संस्कृत के सभी शब्दों में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के शब्दों में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। हिंदी के शब्दों में पहले तो किया जाता था, परंतु अब बहुत से शब्द ऐसे हो गए हैं जिसमें विसर्ग लुप्त हो चुका है, मतलब कि उसका प्रयोग अब नहीं किया जाता है। तो सबसे पहली बात, दुख जो है ये संस्कृत का शब्द है और ये जो दुख है ये हिंदी का शब्द है। तो एक पॉइंट से तो ये दोनों ही ठीक हो गए। अगर हम हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं दुख को, तो हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ये वाला भी प्रयोग करेंगे हिंदी में तो भी ठीक है और ये करेंगे तो भी ठीक है। परंतु अगर हम संस्कृत में प्रयोग कर रहे हैं तो इसी दुख को सही माना जाएगा, ठीक है। नंबर वन बात क्लियर हुई। अब एक बार हमने की विसर्ग क्या है, दूसरा दोनों में कैसे ठीक है। अब हम बात करते हैं व्याकरण की दृष्टि से। अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें जो बिल्कुल सही है वो यही है दुख। परंतु जैसा कि मैंने अभी बताया, आप इस दुख को हिंदी भाषा में ठीक माना जा रहा है, ये गलत नहीं है, ठीक है। और देखिए दुख ये ना इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, दुख, इसके स्थान पर विसर्ग आ जाता है तो हम इसे पढ़ते क्या है, दुख। और दोनों का उच्चारण जो होगा वो दुख ही होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गए होंगे, कौन सा संस्कृत का है कौन सा हिंदी का है। दोनों ही हिंदी भाषा में दोनों ही ठीक है, परंतु संस्कृत भाषा में ये वाला ही ठीक है। इसका उच्चारण किस प्रकार होगा, विसर्ग कहाँ लगता है, ये सारी बातें मैंने बताई आज की वीडियो में। आज की वीडियो में था सिर्फ इतना ही। मिलूंगी मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।